हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, पहले विरोधियों के पीएम मोदी ने लिए मजे और फिर अचानक बोले, भैया बड़ा लंबा यूनिट है, कितना है ये? है यूनिट 10,000,000,10,000,000,10,00,000 करोड़। हाँ, 24 करोड़। सुन, दंग रह गए सब। 24 करोड़, ये तो उनको दिखाओ, पाकिस्तान को दिखाओ जब भूख मांगे जा रहे हर जगह से। अच्छा, हमने अभी एक वीडियो किया, पता नहीं कब आएगा, किस चैनल पे आएगा, जिसमें पाकिस्तान की रोस्टिंग बड़ी मजेदार, वैसे तो सारे वीडियोस में इतनी मजेदार हो रही है, सारे वीडियोस वही उसी टॉपिक पे हो रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमारी सरकार अभी तक अलग अलग स्कीम के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत 28 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुकी है, 28 लाख करोड़। अब आप सोचिए, राजीव गांधी जी ने जो कहा था, उसी बात को मैं आज के साथ जोड़ू तो एक रुपये में से 15 पैसा पहुंचता वाली बात को पकड़ू तो 85%, यानी कि 24 लाख करोड़ ये रकम किसी के जेब में चली गई होती, किसी ने लूट लिया होता, रफा दफा हो गई होती, इतना करप्शन था। और सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपए गरीब के पास पहुंचा होता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चूंकि मैंने रीइमेजिन किया, डीबीटी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी, आज 1 रुपया दिल्ली से निकलता है, 100 के 100 पैसे उसके पास पहुंचते। बिल्कुल, वेरी नाइस। क्योंकि उन्हें देखा था ना, कपड़े होते हैं ये सब पहले। साथियों, कभी नेहरू जी ने कहा था कि जिस दिन हर भारतीय के पास टॉयलेट की सुविधा होगी, उस दिन हम जान जाएंगे कि देश विकास की एक नई ऊंचाई पर है। तो करना चाहिए था उन्होंने अपने टाइम में, उस जमाने की बात थी। तो तब तक किया ही नहीं, कितने साल पहले की जमाने की बात थी। मतलब नेहरू जी को भी समस्या का पता था, पर किया कुछ नहीं। लेकिन समाधान की तत्परता नजर नहीं आई, और इस वजह से देश का बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक मूल सुविधाओं से वंचित रहा। ट्रू, कड़वी सच्चाई। 2014 में जब हमें सेवा करने का अवसर मिला, तो देश के ग्रामीण इलाकों में सैनिटेशन कवरेज 40% से भी कम था। जब हम आए उस समय 40% से भी जनते को इतनी तकलीफ, हमने इतने कम समय में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। आज देश के ग्रामीण इलाकों में सैनिटेशन कवरेज 100% तक पहुंच गया है। मैं आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का भी एक उदाहरण देना चाहता हूं। रीइमेजिन वाला विषय जब आपने रखा है, तो मैं उसी दायरे में अपने आप को रखना चाहता हूं। हालत यह थी ना, कि वर्ष 2014 में क्या हुआ था, देश में 100 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिन्हें बहुत ही बैकवर्ड माना जाता था। 2014 में इन जिलों की पहचान थी गरीबी, पिछड़ापन, ना सड़क, ना पानी, ना स्कूल, ना बिजली, ना अस्पताल, ना शिक्षा, ना रोजगार। और इनमें
हमारे देश के ज्यादातर आदिवासी भाई बहन इन इलाकों में रहते थे। हमने बैकवर्ड के इस कंसेप्ट को रीइमेजिन किया और इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया। पहले इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिसर्स को पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में भेजा जाता था, आज वहां बेस्ट एंड यंग ऑफिसर्स को डेप्यूट किया जाता है। वेरी नाइस। वही होता है कि मिनिस्टर गवर्नमेंट ने मेरा कहना नहीं माना, चले जाओ। पीएसयूज, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी मिलकर इन डिस्ट्रिक्ट के टर्न अराउंड के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसके कारण हमें बेहतर रिजल्ट्स भी मिलने लगे और इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। अब जैसे उत्तर प्रदेश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अब 40% से बढ़कर के 91% हो गई है। व्हाट अ जंप। और उसके कारण माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में बहुत बड़ी कमी आई है। मध्य प्रदेश का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बड़वानी, वो पूरी तरह इम्यूनाइज बच्चों की संख्या 40% से बढ़कर के 90% हो गई है। वैक्सीन भी थी। महाराष्ट्र के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाशिम में बायकॉट हर जगह टीबी ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट 40% हुआ करता था, वो बढ़कर के करीब करीब 90% हो गया है। कर्नाटका के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यादगिर में अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या 20% से 80% पहुंच गई। इंटरनेट आ गया। कितने ही ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें किसी समय जिसको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट करके अछूत बना दिया गया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कवरेज पूरे देश की एवरेज से भी बेहतर हो रही है। यह है रीइमेजिनेशन। यस, मैं आपको क्लीन वाटर सप्लाई का भी उदाहरण दूंगा। आजादी के 7 दशक के बाद भी हमारे देश में सिर्फ 30 मिलियन यानी 3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड के पास टैप कनेक्शन था। 160 मिलियन रूरल हाउस होल्ड यानी 16 करोड़ परिवार इससे वंचित थे, घर में पानी नहीं आता। हमने बड़ी बड़ी बातों के बजाय 80 मिलियन यानी 8 करोड़ नए टैप कनेक्शन सिर्फ 3.5 वर्षों में दे दिए। ये है रीइमेजिनेशन। इतने सालों में 70+ ईयर्स में नहीं हुआ। इस समिट में शामिल एक्सपर्ट भी इस बात को मानेंगे कि भारत की रैपिड ग्रोथ के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। लेकिन देश में पहले क्या स्थिति थी और जो स्थिति थी वो क्यों थी? इवन ईटी में तो बड़े बड़े एडिटोरियल्स इस पर छपे हैं, लोगों ने अपनी ओपिनियन दी है और उनमें जो बात प्रमुखता से रही है वो ये कि हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फैसलों में देश की जरूरत को कम देखा जाता था और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी। इसका जो नतीजा निकला उसका भुक्त भोगी पूरा देश रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कहीं रोड्स भी बननी है तो पहले देखा जाता था कि सड़क बनने के बाद वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ट्रेन कहां रुकेगी, कहां चलेगी, ये भी राजनीतिक नफा नुकसान देखकर तय होता था। बिल्कुल सच बोल रहे हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत को पहले कभी समझा ही नहीं गया, देश नहीं समझा। हमारे पास ये आपको चौंकाने वाली चीजें लगेगी कि कभी ईटी वालों ने लिखा नहीं होगा,
ये वो है ना वो दुर्भाग्य है जी हमारे यहाँ टाइम्स की बात कर रहे हैं डैम्स बनते थे बड़े लेकिन कैनाल नेटवर्क नहीं आ रहा आर से दर्शन आप सोच सकते हैं वेरी पॉपुलर छह मंजिला मकान बने और लिफ्ट भी ना हो और स्टेयरकेस भी नहीं हो ऐसा सोच सकते हैं आप अब नहीं सोच डैम बने और कैनाल ना हो लेकिन शायद उस समय ईटी को देखना उचित नहीं लगा होगा मोदी जी वाकई में अब वो उसमें आ गए गुस्से में क्योंकि ऐसे लग रहा है कि इतना उनके ऊपर काम करने अच्छे काम वो कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले पिछली गवर्नमेंट के उसकी असलियत नहीं दिखाई तो वो ज्यादा चौड़े हो रहे थे जैसे कांग्रेस अभी हरकतें कर रही है ना तो अब मोदी जी बोले अब तुम रुको तुम्हारी जो असली शकल है ना सारे तुम्हारे पोल खोलता हूँ अब वो बता रहे हैं सब तो उन्होंने ज्वाला नेहरू का भी सच्चाइयां बतानी वो मेरे को काफी अमेजिंग लगा समय में पता था हाँ कि तब से ये हो रहा है अब वो भी बातें मोदी जी ने बोलनी शुरू कर दी हैं पहले वो लिहाज कर रहे थे अब वो बता रहे हैं कि देखो उस टाइम में उन्होंने बोला कि कितना इम्पोर्टेंट है कि जो लोगों को वहां पे रहते हैं गरीब लोग हैं गांव में जो रहते हैं जो पिछड़े इलाके में रहते हैं उनके पास एटलीस्ट बाथरूम तो होने चाहिए टॉयलेट्स तो होने चाहिए पर किया कुछ नहीं इतने सालों में जितने टाइम तक इनकी आई है वो आए उनकी बेटी आई बेटी का बेटा आया फिर वो कितना टाइम तक पर कब नहीं और मोदी जी आए कुछ सालों में कितना कमाल कर दिया वो सब बता रहे हैं सारा बता रहे हैं इतना मतलब लग रहा है कि बुरा हाल था यार मेरे को पता है बुरा हाल था आपको भी पता होगा हम लोग तो भैया मेरा तो ये एटीट्यूड हो गया था कि बस अब ऐसे ही चलेगा मैं सच बता रही हूँ मैं जब भी बात करती थी या कुछ होता तो मैं कहती थी ऐसे ही होगा इंडिया का कुछ नहीं हो सकता सभी लोगों सभी लोगों को मोदी जी के आने से पहले होता था कि कुछ नहीं हो सकता बस ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा बस भगवान भरोसे बस ये ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही हमको रहना पड़ेगा कोई कुछ वो नहीं कुछ नहीं भगवान भरोसे सब भगवान पर मोदी जी के आने के बाद जो वो हुआ सब मैं तो कमाल अब वो मोदी जी कह रहे 100% सैनिटेशन रेट है हर जगह वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इतने टैप्स आ गए और जहाँ पे बैकवर्ड बोला था उसे एस्पिरेशन बोल रहे हैं और वहां पे मतलब जो ब्राइटेस्ट है ब्राइटेस्ट जो मोस्ट इंटेलिजेंट बंदे भेज रहे हैं ऑपोजिट कि अच्छा काम करने के लिए मेहनती लोग अच्छे लोग चाहिए वो वहां कमाल करें कि तुम सबसे ब्राइट हो सबसे इंटेलिजेंट हो ये लो इसको सॉल्व करो सबसे इंटेलिजेंट हो मतलब तो तुम करो अब ऑफिसर्स को ये लगेगा कि भैया अगर मैं अच्छा हूँ तो मुझे वहां भेजा जाएगा और अगर मुझे कहीं और भेजा मतलब मेरा काम अच्छा नहीं है वो मेरे लिए रिवॉर्ड है पहले वो दिखाते थे कि भैया तुमको हम पनिश करने जा रहे हैं इसलिए तुमको वहां भेज रहे हैं अब मोदी जी ने पूरा आउटलुक किया हम तुम्हें चैलेंजेस दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है तुम में वो हुनर है तुम वो कैपेबल हो ये करने के लिए उन्होंने यही बोला कि अगर तुम अपने आप को बड़े स्मार्ट समझते हो ये लो इसको सॉल्व करो तुम में वो हुनर है तुम वो कर सकते हो तुम हमारे बेस्ट हो तुम वहां जाओ कमाल ही कर दिया यार मजा ही आ जाता है इससे पता लगता है कि पहले क्या हालत थी बुरी अब लोगों के ऊपर है कि अच्छे से वोट दीजिए अपने देश को आगे लेके जाइए सच्ची में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कमाल ही कर दिया दिल खुश हो जाता है इनको सुन के तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।